नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 19 सितंबर, दिन है आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले जिले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। विवाहिता महिला से दुष्कर्म के मामले में 3 व्यक्ति पर दर्ज की गई नामजद प्राथमिकी। सिमरी थाना के हलवा पट्टी का है मामला। खेत में मिला युवक का शव, विरोध में सड़क जाम, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। मछली मारने के क्रम में डूबते हुए छोटे भाई को बचाने के प्रयास में डूब गया बड़ा भाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखे पुलिसकर्मी 2 युवकों को पीटते हुए, अधिकारियों ने जताई अनभिज्ञता। नवानगर के रूपसागर में 10 लाख की मांग न पूरी होने पर हत्या कर किया शव को गायब। ससुराल वालों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। धनसोई थाना ने चलाया रोको टोको अभियान। बिना मास्क और हेलमेट के बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। गंगा सेतु पर चेकिंग में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। 80 बोतल अंग्रेजी शराब को किया गया बरामद। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम आप जिलेवासियों को ये बताना चाहेंगे कि कोरोना अपडेट जो मैं हमेशा देते आ रहा, अब आपके समक्ष कोई ऐसा ही कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको बताना आवश्यक होगा। तो सबसे पहली जो खबर आ रही है वो एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। सिमरी थाना, सिमरी का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर एक छोटा सा पट्टी है जिसका नाम है हलवा पट्टी, वहीं का ये मामला है। बताया ये जा रहा है कि जिस युवती से दुष्कर्म किया गया है उनकी उम्र 24 वर्ष है। वो महिला अपने मायके आई हुई थी। 16 सितंबर की ही ये घटना है। 3 लोगों ने उनके साथ ज़बरदस्ती किया। लोक लाज के डर से एक दिन तक उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, नहीं कोई शिकायत दर्ज कराई। उनका ये कहना है कि एक दिन तक उन्होंने अपने आप को दबाए रखा, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस मामले को पुलिस तक पहुंचाना चाहिए तो गुरुवार को महिला के परिजनों ने सिमरी थाने को इसकी सूचना दी। वहां से इस मामले को महिला थाने भेजा गया। महिला की शिकायत पर जितेंद्र चौधरी, धनु पांडे, विशाल पांडे, इन तीनों व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल करेगी, मामले की सत्यता की जाँच पड़ताल करेगी और यदि वास्तव में इस प्रकार का दुष्कर्म किया गया है बक्सर ज़िले में तो पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन मामले की सत्यता की जांच अवश्य पुलिस को करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे कि एक युवक का शव खेत में बरामद किया गया है। यह घटना बेलाव गांव का है जो कि सिकरौल के अंतर्गत आता है। युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीण लोगों ने, परिवार के लोगों ने सड़क को जाम किया। ग्रामीणों का ये कहना है कि युवक की हत्या की गई है। बेलाव गांव में शुक्रवार की सुबह खेत में शव को देखा गया। मृतक का नाम अमर ज्योति पासवान है, जिनकी उम्र 33 वर्ष है। दरअसल ये गुरुवार से ही लापता थे, परिवार को इनकी तलाश थी। सिकरौल थाने को जब सूचना मिली तो सिकरौल थाना मौके पर पहुंची। शरीर पर किसी भी प्रकार का जख्म का निशान नहीं है। अब यह हत्या है या फिर दुर्घटना, पुलिस को अभी भी इस मामले को उजागर करना है। हालांकि सड़क को जाम किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। परिवार के जन को नौकरी की मांग की जा रही है, जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो मुआवजे की मांग की जा रही है। मृतक अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी सुनीता देवी को छोड़कर गए हैं। इनकी दो पुत्र हैं, दोनों की उम्र बहुत ही कम है। एक की उम्र 8 वर्ष और एक की उम्र 6 वर्ष है। एक 8 वर्ष और एक 6 वर्ष के बालक के ऊपर से उनके पिता का चला जाना इन दोनों बच्चों के भविष्य को कितना अंधकारमय कर देता है, आप स्वयं से कल्पना कीजिए। कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना तो अवश्य सरकारों को, वहाँ के जन समाज सेवियों को, जनप्रतिनिधियों को और गांव के लोगों को इतना तो अवश्य करना चाहिए कि जो दो मासूम हैं, जो कभी अब अपने पिता को देख नहीं पाएंगे, इनकी ज़िंदगी में अंधकार ना हो, ये अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी सके, ये अपने भविष्य को संवार सके। हालांकि इनके पिता की भरपाई दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद जहाँ कुछ न सही वहाँ कुछ करके इनका भला करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक दुखद खबर आ रही है। दो भाई चले गए थे मछली मारने के लिए। मछली मारने के क्रम में छोटा भाई डूबने लगा और किसी बड़े भाई के सामने उसके छोटे भाई की जान जाने लगे तो बड़ा भाई अपने जान की बाजी लगा देता है। और यह घटना एक ऐसा ही उदाहरण है कि जब किसी बड़े भाई के सामने छोटे भाई की ज़िंदगी खतरे में आती है तो बड़ा भाई किस कदर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने पर उतारू हो जाता है। और अपने छोटे भाई को बचाने के क्रम में बड़े भाई ने वास्तव में अपनी जान को गंवा दी।
आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मृतक का नाम रवि कुमार है, उनकी उम्र 22 वर्ष है, सुनील शाह के पुत्र हैं वो। नावानगर थाना के यमुआ टोला की यह घटना है। जब ये घटना घटित हुई तो उस वक्त दोनों भाई मछली मारने गए हुए थे। किसी कारणवश पैर फिसल जाने के कारण छोटा भाई डूबने लगा। बचाने के क्रम में बड़े भाई को कूदना पड़ा। उसने अपने छोटे भाई को निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन स्वयं पानी की गहराई में प्रवेश कर गए। उनको डूबता हुआ देखकर छोटा भाई परेशान हो गया और दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचा। परिजनों को सूचना दी, गाँव वालों को सूचना मिली। गाँव वाले वहाँ पर पहुँच कर गए। किरनी गाँव के वो रहने वाले थे। सभी गाँव वाले पहुँच कर गए, जाकर युवक के शव को निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो बड़ा भाई छोटे भाई की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर चुका था। आगे बढ़ना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कि न्यायालय के दरवाजे पर तीन पुलिसकर्मी दो युवकों के साथ ज़बरदस्त मारपीट करते हुए दिखाई दिए। बताया ये जा रहा है कि दो युवक बाइक पर सवार होकर किसी अधिवक्ता से मुलाकात करने के लिए अंदर प्रवेश करना चाहते थे। पुलिस वालों ने कोरोना का हवाला देकर उनको रोकने की कोशिश की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस ने अपने नियंत्रण को खो दिया और उसी समय युवकों का कॉलर पकड़कर ज़मीन पर गिराकर उनको मारने का प्रयास किया गया। उसी वक्त किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि मीडिया तक भी पहुंची। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या मामला है, वास्तव में ऐसा क्यों हुआ था, पुलिस की छवि इस प्रकार से ख़राब हो रही है अगर इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मैटर क्या हुआ था और किन कारणों से ये विवाद बढ़ा, इसकी अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। आगे बढ़ना चाहेंगे कि नवानगर के रूपसागर में 10 लाख की मांग की गई एक विवाहिता के घर वालों से, ऐसा प्राथमिकी में पूर्ण रूप से लिखा गया है। विवाहिता के घर वालों ने मायके वालों ने पैसा देने में असमर्थता जताई, जिसके कारण ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की हत्या करके और उनके शव को ठिकाने लगा दिया। मृतका का नाम सुरभि यादव है। मृतका के जो पिता है अग्याव बाजार के धनपुरा निवासी हरिहर सिंह, इनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ससुराल वालों पर कई लोगों को नामजद बनाया गया, जिसमें पति ननद सास ससुर देवर इन सबको अभियुक्त बनाया गया है। अब पुलिस को मामले की जांच पड़ताल करनी होगी कि वास्तव में क्या ये दहेज का मामला है, और जो भी बातें निकल कर आएंगी सत्यता के आधार पर पुलिस को मामले की जाँच पड़ताल करके और दोषियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कोरोना काल धीरे धीरे हमें नॉर्मलाइज करते जा रहा है, तो मास्क का यूज़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये सब धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन धनसोई थाना की पुलिस ने रोको टोको अभियान चलाया अपने यहाँ। जितने बाइक सवार बिना मास्क और बिना हेलमेट के देखे, बिना हेलमेट के तो पहले भी रोका जाता था, अब एक मास्क भी उसमें ऐड हो गया है। उनको रोका गया, उनसे जुर्माना वसूला गया और उनको सलाह दी गई कि रोड पर ऐसे वो ना चले, बाइक और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो जितने भी धनसोई के युवक हैं जो बाइक सवार हैं, आप लोगों से निवेदन होगा कि आप पुलिस के इस सख्ती के सामने आप अपने आप को सावधान ही रखें, कोशिश करें कि हमेशा मास्क और हेलमेट का प्रयोग आप अवश्य करें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि गंगा सेतु पर चेकिंग चेक पोस्ट लगाया जाता है, हमेशा लगाया जाता है। वहीं पर चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 80 बोतल अंग्रेजी शराब लेकर बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों तस्करों के इनाम बताए जा रहे हैं सनी, विकास, विक्रम, जो कि जासो के रहने वाले हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे थे, अपने गांव लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उस ऑटो से 80 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके शराब को जब्त करके और इन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अक्सर इस बक्सर गंगा सेतु से कई सारे लोग शराबों की तस्करी करते हैं। हालांकि पुलिस हमेशा चाक चौबंद व्यवस्था किए रहती है, लेकिन इसके बावजूद हर एक गाड़ी की तलाशी ले लेना और पूर्ण रूप से तलाशी लेना ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसी वजह से शराब ले आने में बहुत बार तस्कर सफल भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ने बहुत ही सावधानी और चौकन्ना रहकर इन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सफलता पर हम आप पुलिस वालों को बधाई देते हैं। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। इस कोरोना काल में मैं आप सभी के सकुशलता की कामना करता हूँ, आपके परिवार के सकुशलता की कामना करता हूँ। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।